इंस्पायर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है दी अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। कोरोना वायरस और लॉकडाउन 2.0 को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, जिसमें लॉकडाउन का लोगों से बहुत ही सख्ती से पालन कराने के लिए मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई को प्रदेश में स्थायी मॉडल बनाया जाए। इसी कड़ी में आज अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना एवं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने प्रेस वार्ता की, आइए देखते हैं। पहला तो लॉकडाउन जो है 3 मई तक सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है और दूसरा 20 तारीख से यानी 19 तारीख की रात 12 बजे के बाद से 20 तारीख से कतिपय शर्तों के साथ कुछ सेक्टर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए निर्देश है। उसी कड़ी में आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की है, उनके निर्देश यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था को एक स्थायी मॉडल पूरे प्रदेश में बना दिया जाए। पूरे प्रदेश में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए बेसिक शिक्षा में भी, माध्यमिक शिक्षा में भी, उच्च शिक्षा में भी और प्राविधिक शिक्षा में भी और व्यावसायिक शिक्षा में भी, साथ साथ मेडिकल का जो शिक्षा है और नर्सिंग की शिक्षा है, पैरामेडिकल की जो शिक्षा है, उसमें भी ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को उनके द्वारा निर्देश दिया गया है कि इसको बहुत ही मजबूती से एक स्थायी व्यवस्था के रूप में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पूरे प्रदेश में इसको छात्रों के हित में लागू किया जाए। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है वो स्वास्थ्य विभाग के संबंध में है। स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न चिकित्सालयों में इमरजेंसी सेवाओं के संचालन की अनुमति अब दी जाएगी। इसमें निजी मेडिकल कॉलेज और निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को भी प्रशिक्षण दिया भी जा रहा है, आगे भी इसको प्रॉपरली प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यह भी निर्देश है कि बिना कोविड नियंत्रण प्रशिक्षण एवं सुरक्षा उपाय के इमरजेंसी सेवाओं का संचालन करने नहीं दिया जाएगा। प्रमुख सचिव चिकित्सा बैठे हैं, आपने इसकी पूरी गाइडलाइंस बना ली है और इसके आदेश भी आपने जारी कर दिए हैं और प्रशिक्षण का काम भी शुरू किया है। ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जिन चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के संक्रमण की सुरक्षा के सभी प्रबंध होंगे और डॉक्टरों सहित सभी चिकित्सा कर्मी प्रशिक्षित होंगे, वहीं इमरजेंसी सेवाओं का संचालन अनुमन्य होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश और भी बड़ा महत्वपूर्ण दिया है, वो यह है कि MBBS के जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, वो लगभग अपना कोर्स पूरा कर चुके हैं। इसी के साथ साथ जो नर्सिंग के छात्र हैं, जो अपना फाइनल ईयर में हैं, उनको भी स्वास्थ्य के कार्यों में जो है योगदान अपना देने के लिए निर्देश निर्गत करने का आदेश उन्होंने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को दिया है और ये आदेश भी अब जारी कर दिए गए हैं, जिससे कि एक एडिशनल मैन पावर और यंग मैन पावर जो है, यूथफुल मैन पावर, जिनको इस समय महामारी के समय अगर ट्रेनिंग करके काम करने का मौका मिलेगा तो लॉन्ग टर्म में उनका एक्सपीरियंस का भी फायदा होगा, ये भी निर्देश आज उन्होंने दे दिए। आपको संज्ञान में है कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज निर्देश ये दिए हैं कि जैसा भारत सरकार ने आदेशित किया है अपनी गाइडलाइंस में, उसके अनुरूप निर्माण कार्य पर भी अब अनुमति होगी 20 अप्रैल से, यानी 19 तारीख की रात 12 बजे के बाद 20 अप्रैल से की तारीख से बड़े निर्माण कार्यों को प्रारंभ किए जाने की अनुमति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान किए जाएंगे, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। प्रदेश में अभी तक कुल 44 जनपद से संक्रमण के प्रकरण आए हैं। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 727। 44 में से एक जिला पीलीभीत, आप जानते हैं कि इस समय वहां कोई एक्टिव केस नहीं है। इनमें से 55 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, ये वापस अपने घर जा चुके हैं। 11 लोगों की
दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है। हालांकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सभी के साथ कोमॉर्बिडिटी या ओल्ड एज का संबंध रहा है। इस समय तक जो फैसिलिटी क्वारंटाइन में रखे गए हैं, जो पॉजिटिव या उनके कॉन्टैक्ट्स हैं या जो और लक्षणों के आधार पर रखे जाते हैं, वो नंबर है 10661 कल भी 2433 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई प्रदेश में। जैसा आपको मैं बार बार बता रहा हूं, लगातार बता रहा हूं, शुरू में हम 150, 200, 250 तक की टेस्टिंग कर रहे थे, ये बढ़ते हुए 800 पहुंचा, 1000 पहुंचा और अब हम हर दिन 2000 से अधिक टेस्टिंग कर रहे हैं। कल भी 2433 सैंपल्स टेस्ट किए गए और 2400 से ज्यादा सैंपल्स वहां भेजे भी गए, प्रयोगशालाओं में भेजे भी गए। कल शाम में सभी जनपदों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अब उनको, यदि उनके यहां कोई भी केस नहीं है तो भी उनको कम से कम 20 सैंपल प्रतिदिन भेजने हैं और जहां पर जो हॉटस्पॉट हैं या जहां ज्यादा केसेस आए हैं उनको काफी ज्यादा संख्या में भेजने हैं। जहां 50 से ज्यादा केसेस हैं उन जनपदों को यह कहा गया है कि आप 150 से 200 केस, 200 सैंपल्स जरूर कलेक्ट करके आप भेजेंगे। अधिक से अधिक संख्या में हम लोग सैंपलिंग कराना चाहते हैं, टेस्टिंग कराना चाहते हैं, ताकि जो भी इन्फेक्शन है उसको जल्दी से जल्दी डिस्कवर कर लिया जाए और उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हम कम्युनिटी से बाहर निकाल लें, उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।